हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स से काफी सारे स्किन बेस्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि स्किन का रेड हो जाना, पेल हो जाना, स्किन ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल्स, स्कार्स और काफी सारी प्रॉब्लम्स। बट ये सारी प्रॉब्लम स्किन बेस्ड होती हैं, इससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट कैसे हैवी यूसेज ऑफ कॉस्मेटिक्स से हमारी बॉडी इंटरनली डैमेज होती है, उसकी बात करेंगे। तो मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मल्टीटास्कर। सारे कॉस्मेटिक रेंज में एक कॉमन केमिकल होता है, कॉमन केमिकल यूज होता है, जिसको हम कहते हैं पैराबेन। पैराबेन एक सस्ता प्रिजर्वेटिव है जो हर टाइप के मॉइस्चराइजर्स में, स्किन क्रीम्स में काफी ज्यादा यूज होता है। पैराबेन हमारे लिए ऐसे खतरनाक है कि पैराबेन का केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एस्ट्रोजन की तरह। मतलब अगर बॉडी में ज्यादा पैराबेन पाया जाएगा, इसका मतलब वो आपका एस्ट्रोजन बढ़ाने का काम भी करेगा। ज्यादा पैराबेन मतलब ज्यादा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो कि रिकमेंडेड लिमिट से अगर ज्यादा होता है तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेल्स के लिए एस्ट्रोजन की जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 10-50 पीजी पर एमएल, पिकोग्राम पर मिलीलीटर। फीमेल्स के लिए ये होती है 0-400 पीजी पर एमएल। महिलाओं के अंदर बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। साथ साथ बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल गर्ल्स के अंदर टाइम के पहले प्यूबर्टी आने का भी कारण होता है। और अगर मेल्स की बात करूं तो मेल्स के अंदर बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज को डिक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है। टेस्टोस्टेरोन ये वही हार्मोन है जो कि आपकी मसल बिल्डिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी हेयर ग्रोथ, आपका डाइजेशन और आपकी इम्यूनिटी में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई उन सब चीजों में आपके हेल्थ में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। मेंस जो कि कॉस्मेटिक्स का हैवी यूज करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उनमें आगे जाके लोअर स्पर्म काउंट की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है आपके स्पर्म काउंट के लिए। और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो रहे हैं तो स्पर्म काउंट भी कम होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कॉस्मेटिक्स में काफी सारे फ्री रेडिकल्स भी होते हैं जिनसे आपकी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। साथ साथ कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन में काफी हैवी मेटल्स भी यूज करे जाते हैं, लाइक कैडमियम, जिंक एंड लेड। काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं कि इनका यूसेज एक रिकमेंडेड वैल्यू के ऊपर ना हो, बट कंपनीज के पास अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे अगर रूल्स के अकॉर्डिंग जिंक यूज़ करना मना है तो वो जिंक ऑक्साइड यूज़ कर लेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग वो जिंक नहीं है, वो जिंक ऑक्साइड है, जिंक का अलग फॉर्म है, बट उन्हें जो यूज़ करना होता है वो कर ही लेते हैं। अब लोग अलग अलग लोगों का रेफरेंस देते हैं कि पर्सन ए इतने सालों से कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है। तो एक चीज़ याद रखो माय फ्रेंड्स, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी के जीन्स, जेनेटिक्स, केमिकल कंपोजिशंस और इम्यूनिटी पावर अलग होती है। सबकी बॉडी अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर किसी के ऊपर कॉस्मेटिक्स का बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा है, दैट डजेंट मीन कि वो आपके ऊपर भी नहीं होगा। मे बी आपके केस में वो चीज़ आपको हार्म करे। इस चीज़ को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने एक अंकल जी को बीड़ी पीने से रोका। मैंने कहा, अंकल आप बीड़ी ना पिया करें, ये आपको नुकसान करेगी। अंकल का जवाब था, बेटा मैं पिछले 40 साल से बीड़ी पी रहा हूँ, अभी तक नुकसान नहीं कर पाई। और ये बात सच भी थी, वो पिछले 40 साल से कंटिन्यूसली चेन स्मोकिंग कर रहे थे और उसके बाद भी स्मोकिंग का उनके ऊपर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये इसलिए था क्योंकि उनकी बॉडी इतनी कैपेबल थी, उनकी इम्यूनिटी इतनी कैपेबल थी, उनके जीन्स जेनेटिक्स इतने कैपेबल थे कि वो स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स को टैकल करने, उनको काउंटर करने इनफ थे, तो उनके ऊपर उस चीज़ का कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं था। बट उनके रेफरेंस से अगर आप भी वही चीज़ शुरू कर देते हैं, मे बी आपको शुरू के 2 साल में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाएं और स्मोकिंग आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो। तो हम किसी के भी रेफरेंस से या दूसरों के केस देखते हुए खुद पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की बॉडी फ्रॉम द इनसाइड अलग होती है और अलग लेवल पे हर एक डिसीज से डील करती है। तो अब बात करते हैं हम कैसे बढ़े हुए एस्ट्रोजन लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल और डाइट। हमें पता है कॉस्मेटिक्स के काफ़ी सारे नुकसान हैं, बट फिर भी अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इन फूड प्रोडक्ट्स को आपको अपनी डाइट में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनसे आपके एस्ट्रोजन लेवल न्यूट्रलाइज होंगे और जो कॉस्मेटिक्स के होने वाले बैड इफेक्ट जो हैं उनसे भी बॉडी काउंटर कर पाएगी। जिनमें पहले नंबर पर आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स क्या होते हैं? आपकी सारी गोभी की फैमिली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहलाती है, लाइक फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी गोभी जिसको ब्रोकली कहते हैं, केल, ये सारी वेजिटेबल्स क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। तो अगर आप इनको लेते हैं तो ये सब्जियां आप नेचुरली एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस करेंगी। सेकंड नंबर पर आते हैं मशरूम्स। अगर आप मशरूम कंज्यूम करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और एस्ट्रोजन लेवल्स भी कम करेंगे, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहे हैं,
उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तीसरे नंबर पर आते हैं रेड ग्रेप्स। अगर आप रेड ग्रेप्स कंज्यूम करते हैं तो ये भी नेचुरली एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल करेगा, रिड्यूस करेगा। चौथे नंबर पर आते हैं होल ग्रेन्स। आप अपने डाइट को ऐसा रखें जिसमें कि होल ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हों, जैसे कि चावल, गेहूँ, ओट्स, कॉर्न जिसको हम मक्का कहते हैं, ये सब चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। फिर आता है ग्रीन टी या ब्लैक टी। ग्रीन टी और ब्लैक टी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप दिन में कम से कम एक बार ग्रीन टी या ब्लैक टी ज़रूर लें। लास्ट में आता है एक फ्रूट। अनार एक ऐसा फ्रूट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अनार में एलर्जिक एसिड होता है जो कि हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अनार को यूज़ करती हैं हार्मोनल बैलेंस वाली दवाई बनाने के लिए। तो आप अनार को अपनी डाइट में रखें, ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो समरी यही है माई फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेसिवली कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में पैराबेन लेवल बढ़ाएगा, जिससे कि एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को लोअर डाउन करेगा। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम एस्ट्रोजन लेवल्स को रिड्यूस करें, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मलाइज हो जाए और जो भी बैड इफेक्ट्स हमने डिस्कस करे वो सब ना हो। तो जो भी मैंने फूड प्रोडक्ट्स बताए वो आपके एस्ट्रोजन लेवल को कम करेंगे अप टू नॉर्मल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी कर दो। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।